बागबान चॅरिटेबल ट्रस्ट सोलापूर तर्फे महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या सर्व मुस्लिम जमातचा वधूवर परिचय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात मुलामुलींचे एकूण 600 ते 700 बायोडाटा बघण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. तर या ट्रस्टचा हा यशस्वी 3रा मेळावा होता. या मेळाव्यात सोलापूरसह मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, फलटण, कराड, औरंगाबाद, इंदापूर, विजापूर, अहमदनगर, नांदेड, सांगली, सातारा, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, गुलबर्गा आदी राज्यातील गरजू लोक आले होते. या मेळाव्यात 100 आसपास स्थळ जमविण्यात आले असून या मेळाव्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून शहर काझी अमजद अली सय्यद हे होते, तर अध्यक्षस्थानी नसीर अहमद खलीफा हे होते. प्रमुख उपस्थित मुनाफ चौधरी, मुस्ताक चौधरी, जुबेर कुरेशी, साहिल रामपुरे, शब्बीर रामपुरे, मंजूर मामा, मैनुद्दीन चेअरमन, शौकत पठाण आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रारंभी रियाज अकबर बागवान यांनी प्रास्ताविक केलं, तर बागवान चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष नजाकत अली मंद्रुपकर यांनी आभार मानलं. शिआर तरीके को छोड़कर गैर अखलाकी तरीका यानी किसी जरूरत किसी मजबूर से उसके मजबूरी का फायदा उठाते हुए ये सारी चीजें मांगना ये गलत तरीका गैर अखलाकी तरीका है. अगर ये औरतें अजम करती हैं इंशाल्लाह कि आज से हम इस चीज पर खुद भी अमल करेंगी और अपने अपने ताल्लुकात में सब तक ये बात पहुंचाएंगी, आप देखें कितनी आसानी और कितनी तेजी के साथ हमारे दरमियान में ये जो गैर जरूरी तौर पर और ये गैर इस्लामी शियार और तरीके पर जो हमारी शादियां राइज हैं, ये सारी खुराफात और सारी बिदातें और ये सारे जो लानती हमारे रस्में कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं इंशाल्लाह. सारी औरतें आज़्म करेंगी इंशाल्लाह, ये उम्मीद करें और अल्लाह की जात से उम्मीद करें कि अल्लाह तेरे लिए कर रहे हैं हमारे इस काम में बरकत. सिर्फ मर्दों का काम नहीं है दीन की खिदमत करना, ये औरतों की भी जिम्मेदारी है ना. जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए तो नहीं है, औरतों के लिए भी है. अल्लाह की रिजा हासिल करना, रसूलुल्लाह के तरीके पर चलना क्या सिर्फ मर्दों के लिए है? औरतों के लिए बराबर की जिम्मेदारी और हक तो यह है, हदीसे पाक है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं. और हम तो उम्मीद करते हैं कि जितने जितने अहले इस्लाम की खवातीन हैं अल्लाह उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन आखिरत में बदला अता फरमाए. आप रसूल पाक की हदीस करीम है, आपने फरमाया कि मैंने अक्सर हिस्सा जो जहन्नम का था मैंने खवातीन से भरा हुआ पाया. गौर करें इस बात पर, खवातीन से भरा हुआ पाया. उसका हल भी हुजूर ने फरमाया, उसका हल ये फरमाया कि एक तो शोहरों की इताअत और फरमाबरदारी करें, ना शुक्री ना करें. दूसरी बात फरमाई कि सदका किया करें, सदका किया करें, अल्लाह की राह में खर्च किया करें. देखें कितनी औरतें आज की तारीख में उठा लें, क्या हमारे खवातीन में ये मिजाज है कि अल्लाह की राह में खर्च करें? मर्द खर्चा